हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। हमारा रुचि इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करें। हमारे साथ में एलन ब्रांडी का BFD है। इस BFD के थ्रू हम लोग मोटर को हैंड मोड में, ऑटो मोड में, 0 to 10 वोल्ट के थ्रू, पोटेंशियल मोटर के थ्रू, रिवर्स में, फॉरवर्ड में कैसे ऑपरेट करते हैं, आज की वीडियो में आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगा। मैंने ऑलरेडी एक कंट्रोल डायग्राम बना कर रखा है, उस कंट्रोल डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दूंगा और एक पैरामीटर लिस्ट भी बना कर रखा हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको अच्छी तरह समझा दूँगा कौन सा पैरामीटर किसके लिए यूज करते हैं। और डायरेक्ट डिस्प्ले पर चल कर सेटिंग करके आपको लाइव टेस्ट करके भी दिखा दूंगा कि हम लोग किसी भी BFD के थ्रू मोटर को हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, रिवर्स में, फॉरवर्ड में, हैंड में, ऑटो में, PLC के थ्रू। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, वीडियो प्लीज स्किप करके नहीं देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे साथ में जो एलन ब्रांडी का BFD है, इस BFD का मैंने एक कंट्रोल डायग्राम बना कर रखा हूँ। इस कंट्रोल डायग्राम के थ्रू हम लोग 2 वायर कनेक्शन कैसे करेंगे और 3 वायर कनेक्शन कैसे करेंगे, रिवर्स में, फॉरवर्ड में, और हमको 0 to 10 वोल्ट के थ्रू कैसे BFD को ऑपरेट करेंगे, इसके लिए हम लोग कैसे वायरिंग करेंगे आज की वीडियो में पूरा देखेंगे हम लोग। फर्स्ट हमने एक कंट्रोल डायग्राम बना कर रखा है। ये जो वायरिंग है ये हमारा 2 वायर कंट्रोल मोड के हिसाब से वायरिंग है, क्योंकि उसके बाद में हम लोग 3 वायर कंट्रोल वायर के बारे में जानेंगे। फर्स्ट हम लोग 2 वायर के कनेक्शन के बारे में जानेंगे। इस BFD के थ्रू हम लोग 2 वायर के थ्रू BFD को फॉरवर्ड में और रिवर्स में कैसे ऑपरेट करते हैं। ये हमारा जो इसके अंदर एक डीप स्विच रहता है BFD के अंदर, आप डीप स्विच करो इस मोड में सिलेक्शन करेंगे तो SRC मोड में सिलेक्शन करेंगे तो आपको जो कॉमन सप्लाई रहेगा आपको 11 नंबर का कॉमन सप्लाई के थ्रू आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब 11 नंबर के थ्रू आपको ये लूप करना होगा। ये जो सप्लाई है आपका 01, ये सप्लाई आपको यहाँ से घूमते हुए आके आपको 11 नंबर में लूप हो जाएगा। और ये जो हमने एक यहाँ से एक सप्लाई आएगा, आपको ये फॉरवर्ड का स्विच रखा है, ये स्विच में चला जाएगा इनपुट में। दूसरा जो ये सप्लाई यहाँ से आके ये दूसरे स्विच का रिवर्स का स्विच का इनपुट में चला जाएगा और यहाँ से आउट होकर आपको 02 का टर्मिनल में चला जाएगा। ये हमारा जो टर्मिनल है ये हमको फॉरवर्ड स्विच के लिए है और ये रिवर्स स्विच है। रिवर्स स्विच के थ्रू आपका टर्मिनल 03 में आपका सप्लाई आएगा। अभी जब भी हम लोग फॉरवर्ड में स्विच ऑन करेंगे तो आपको इस टर्मिनल में कनेक्शन में सप्लाई मिलेगा, उस टाइम आपका BFD फॉरवर्ड मोड में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ये रिवर्स का स्विच ऑन करते हैं तो रिवर्स का स्विच के थ्रू आपको 03 में टर्मिनल में आपको सप्लाई मिलेगा तो आपका BFD रिवर्स मोड में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो मोड है आपको SRC मोड के लिए ऐसा वायरिंग हम लोग करेंगे। उसके लिए हम लोग 11 और 1 नंबर आपको शॉर्ट करना होगा, मतलब 11 को आपको कॉमन बनाना होगा, इसके थ्रू आपको वायरिंग करना होगा। ठीक है, दूसरी साइड में हम लोग देखते हैं सिंक कंट्रोल के लिए। सिंक कंट्रोल में क्या होता है कि आपको ये 2 वायर मेथड, 2 वायर कनेक्शन ये भी है लेकिन हम लोग सिंक कंट्रोल के, इसके अंदर जो डीप स्विच रहता है, डीप स्विच के अंदर आपको एक मोड में SRC मिलेगा और दूसरे मोड में सिंक, मतलब ऐसा आपका रहता है डीप स्विच। डीप स्विच का डाउन और ऑफ करेंगे तो आपको एक एक मोड मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर हम लोग वन नंबर सप्लाई यहाँ से लेके आएंगे। वन नंबर लेके आने के बाद हम लोग एक फॉरवर्ड का स्विच में देंगे और एक रिवर्स का स्विच में एक वायर देंगे। ठीक है, ये फॉरवर्ड का स्विच हो गया, रिवर्स का स्विच हो गया, इसके अंदर हम एक एक वायर देंगे। और जो हमारा ये वायर है इसके लिए हम लोग 4 नंबर इसको कॉमन बनाएंगे। ठीक है, 4 नंबर और 1 नंबर आपस में हम लोग लूप करेंगे। अब देख सकते हैं मैंने यहाँ से एक सप्लाई लिया है, यहाँ से होते हुए वायर आपको यहाँ पर, मतलब एक वायर के थ्रू हम लोग यहाँ से ला के यहाँ पर लूप कर देंगे और इसी वायर के थ्रू हम लोग फॉरवर्ड का स्विच में कनेक्शन देंगे और रिवर्स का स्विच में कनेक्शन देंगे। उसके बाद फॉरवर्ड से हम लोग आउट करके 02 नंबर टर्मिनल में देंगे और हम लोग रिवर्स के स्विच से आउट करके हम लोग टर्मिनल 3 में हम लोग इसका वायर कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हमारा टर्मिनल एक ही टर्मिनल है। मैंने इस एक साइड में दूसरी SRC कंट्रोल सिखाया आपको और सिंक कंट्रोल एक साइड में। ठीक है, ये 2 वायर कनेक्शन है। ठीक है, अगर आप लोग BFD को फॉरवर्ड में चलाना चाहते हैं, आप अगर कॉमन आपको 4 नंबर टर्मिनल को यूज करके वायरिंग करना है तो आपको 1 और 4 लूप करना होगा। अगर आप लोग 11 नंबर कॉमन यूज कर रहे हैं तो आपको 1 और 11 नंबर आपस में लूप करना होगा, तो इसी हिसाब से वायरिंग होगा। अगर 4 नंबर कॉमन बनाना चाहते हैं तो आपको इस तरह से वायरिंग होगा। ठीक है, अगर फॉरवर्ड का आपने स्विच ऑन किया तो आपका टर्मिनल 2 में सप्लाई जाएगा तो उस टाइम आपका BFD फॉरवर्ड में चालू हो जाएगा। और आपका अगर रिवर्स का स्विच ऑन करेंगे तो आपका टर्मिनल 3 में सप्लाई आएगा तो आपका BFD रिवर्स में चालू हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसी अगर आपको स्टॉप स्विच लगाना है तो ये जो टर्मिनल 1 है ये स्टॉप का है, आप चाहें तो यहाँ पे एक स्टॉप का स्विच यहाँ पे एक यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टॉप का स्विच डालेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा। यहाँ भी अगर इस मोड में आप वायरिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग
एक स्टॉप का स्विच यहाँ पर डाल सकते हैं, आप चाहे तो BFD को इस स्विच के थ्रू स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने टू वायर कनेक्शन देख लिया, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दूसरा थ्री वायर कनेक्शन की तरफ। ठीक है, अभी हमने थ्री वायर इसके लिए थ्री वायर कंट्रोल के लिए हमने अलग से वायरिंग डायग्राम बना कर रखा हूँ। मैं इसके थ्री वायर कंट्रोल में कैसा करते हैं, BFD को रिवर्स में, फॉरवर्ड में, स्टार्ट स्टॉप कैसा करते हैं, आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, पूरा वीडियो देखते रहें, वीडियो में बने रहें प्लीज़। आप देख सकते हैं थ्री वायर कंट्रोल वायरिंग हमने ऐसा बना कर, अभी थ्री वायर कंट्रोल वायरिंग हमने बना कर रखा है। ठीक है, ये हमारा SRC कंट्रोल है और ये सिंक कंट्रोल है। ठीक है, SRC कंट्रोल और सिंक कंट्रोल मैंने आपको पहले टू वायर कनेक्शन में बता चुका हूँ। SRC कंट्रोल के लिए आपको 1 और 11 नंबर टर्मिनल आपको शॉर्ट करना होगा। 1 नंबर और 11 नंबर टर्मिनल शॉर्ट करना मतलब 11 का आपको कॉमन बनाना होगा, और सिंक मोड के लिए आपको, सिंक कंट्रोल के लिए आपको 1 नंबर और 4 नंबर टर्मिनल को कॉमन बनाना होगा, ये दोनों टर्मिनल आपस में लिंक करना। अभी हम लोग इसके थ्रू हम लोग वायरिंग देख लेते हैं। तो ये जो सप्लाई हमारा स्टॉप पुश बटन हमने यूज किया, इसके थ्रू स्टॉप पुश बटन में आएगा। इस पुश बटन में यहाँ से हमारा एक केबल यहाँ आएगा और स्टॉप पुश बटन के आउट से केबल निकल के हमारा एक स्टार्ट स्विच, स्टार्ट पुश बटन है, उसके एक वायर उसके टर्मिनल में जाएगा। और यही वायर आके हमारा एक डायरेक्शन सिलेक्शन स्विच है, इसके स्विच के अंदर आएगा और ये वायर आके आपको 11 नंबर में लूप हो जाएगा। ठीक है, और स्टार्ट स्विच के, स्टार्ट पुश बटन के आउट से हम लोग निकाल के एक उसका टर्मिनल ब्लॉक से दूसरा वायर निकाल के 02 में दे देंगे, और ये डायरेक्शन जो स्विच है इसके हम लोग आउट से निकाल के हम 03 में वायर कनेक्शन कर लेंगे। ठीक है, तो BFD को अगर आपको अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आपका BFD नॉर्मल, अगर आपने स्विच कनेक्ट नहीं किया है तो नॉर्मल आपको फॉरवर्ड में चलेगा। ठीक है, अगर आपने स्विच ऑन कर दिया, ये स्विच डायरेक्शन का स्विच है, अगर आपने स्विच ऑन किया मतलब ये कॉन्टैक्ट इसमें टच हो गया, अगर इसको सप्लाई मिल रहा है कंटिन्यू, तो उस टाइम क्या होगा कि आपका BFD का डायरेक्शन चेंज होकर रिवर्स में चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नॉर्मल करने मतलब ऑफ मोड में है, स्विच मान लीजिए ऑफ मोड में है, अगर आपने ये स्टार्ट किया तो आपका BFD फॉरवर्ड मोड में चलेगा। ठीक है, अगर आपने स्विच ऑन कर दिया तो आपका BFD रिवर्स मोड में चलेगा। ठीक है, और स्टॉप करने के लिए आपको ये स्विच पुश करेंगे तो आपका स्टॉप हो जाएगा BFD। ठीक है, ऐसा हम लोग इसका रिवर्स फॉरवर्ड करते हैं मतलब SRC कंट्रोल के थ्रू। ठीक है, मतलब कॉमन 11 नंबर अगर हम लोग यूज करेंगे तो। दूसरी साइड में हम लोग देख लेते हैं, ये हमारा सिंक कंट्रोल है, इसके थ्रू भी हम लोग सेम टर्मिनल, ये सेम ही टर्मिनल मैंने अलग अलग वायरिंग आपको समझा कर रखा हूँ, SRC कंट्रोल और सिंक कंट्रोल। ठीक है, ये सेम टर्मिनल को हम लोग यूज करके अलग अलग टाइप से वायरिंग कैसे करते हैं आपको मैं बताया हूँ। ठीक है, ये 1 नंबर जो टर्मिनल है उससे निकल के हमारा पुश बटन में आएगा, ANC पुश बटन रहेगा, ये जो हमारा टर्मिनल है ANC पुश बटन रहेगा। ठीक है, ये हमारा ANO पुश बटन रहेगा। ठीक है, ये भी हमारा ये स्विच ANC रहेगा, ये हमारा ANO रहेगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा एक वायर हम लोग निकाल के पुश बटन में देंगे, पुश बटन के दूसरे पॉइंट से निकाल के हम लोग स्टार्ट पुश बटन का दूसरे फर्स्ट पॉइंट में देंगे, और हम लोग इधर यहाँ पे एक डायरेक्शन स्विच रखा है मतलब रिवर्स और फॉरवर्ड में चलाने के BFD को एक हम लोग डायरेक्शन स्विच रखा है। ठीक है, यहाँ पे आएगा और यही वायर ला के लूप करके हम लोग 4 नंबर टर्मिनल में आएगा, मतलब 04 में टर्मिनल में आके यहाँ पे लूप करेगा, मतलब ये वायर आप, यही वायर हमारा सीधा आके यहाँ पे मतलब ये 4 नंबर हमारा कॉमन हो गया, यहाँ से घुमा के हमारा डायरेक्शन स्विच में जाता है, स्टार्ट पुश बटन में जाता है और स्टॉप पुश बटन में जाता है, स्टॉप पुश बटन के थ्रू हमारा ये टर्मिनल में जाता है 01 में, और ये हमारा स्टार्ट पुश बटन का आउट से जो निकालेंगे हम लोग केबल वो हमारा 02 में टर्मिनल में जाकर लग जाएगा। ठीक है, ये हमारा ए स्विच है, ये हमारा केबल है और ये हमारा टर्मिनल नंबर है। ठीक है, ये सेम टर्मिनल आपको BFD के ऊपर मिल जाएगा, ये सेम टाइप का BFD LM ब्रांडी का वो आपको सेम टर्मिनल आपको BFD के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, और हमारा ये डायरेक्शन का जो स्विच है इसके आउट से हम लोग स्विच के आउट से निकाल के 03 में देंगे। ठीक है, 03 नंबर टर्मिनल में देंगे तो आपका BFD डायरेक्शन जो डायरेक्शन चलाना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। ये मान लीजिए हम लोग BFD को स्टार्ट पुश बटन के थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं, हमको पुश करेंगे तो ये हमारा सप्लाई यहाँ पे आएगा, तो मतलब आपको अगर ये स्विच ऑफ रहेगा मतलब ऑफ कंडीशन ओपन कंडीशन में रहेगा तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे तो आपका BFD फॉरवर्ड में चलेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना फॉरवर्ड में चलेगा। अगर आपको रिवर्स में चलाना है तो इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, क्लोज होगा तो क्या होगा कि आपको इसको भी सप्लाई मिलेगा, इसको भी सप्लाई मिलेगा, मतलब स्टार्ट करेंगे तो आपका BFD के इसको भी टर्मिनल का सप्लाई मिलेगा और इसको भी मिलेगा, तो उस कंडीशन में आपको BFD को फॉरवर्ड में रिवर्स में चला सकते हो, स्विच ऑन करने के बाद रिवर्स में, और स्विच ओपन रहेगा तो आपको ओनली आपको फॉरवर्ड मोड में चलेगा। ठीक है, रिवर्स में चलाना है आपको तो इस स्विच को ऑन करना होगा,
ये एक ही स्विच से आपको रिवर्स और फॉरवर्ड मिलता है, ठीक है। ये ऑन ऑफ स्विच है, मतलब एक ही पोजीशन स्विच है, टू पोजीशन स्विच है, ठीक है। अभी हम लोग आगे देख लेते हैं इस VFD का एनालॉग इनपुट और आउटपुट और रिले के बारे में देख लेते हैं। वीडियो में बने रहे प्लीज, ठीक है। इस VFD के थ्रू हम लोग VFD को पोटेंशियल मीटर के थ्रू चलाना चाहते हैं। पोटेंशियल मीटर यूज कर रहे हैं जैसे कि कोई भी पोर्ट से, बाहर के पोर्ट से हम लोग VFD को स्पीड कम और ज़्यादा करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो टर्मिनल हमारा 12 नंबर टर्म, ये हमारा पोटेंशियल मीटर का मैंने एक सिंबल बना कर रखा है। ये हमारा कॉमन जो पॉइंट है, ये हमारा 13 नंबर में लग जाएगा। यहाँ से निकल के यहाँ पे टर्मिनल में लग जाएगा। पोटेंशियल मीटर के अंदर अंदर आपने देखा होगा तीन टर्मिनल रहेगा इसका। एक टर्मिनल में 12 नंबर वायर, एक कॉमन में 13 नंबर वायर, और एक टर्मिनल में पोटेंशियल मीटर के एक टर्मिनल में आपको 14 नंबर वायर लग जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल मीटर के अंदर आपने तीन केबल देखा, तीन टर्मिनल देखा होगा। तीनों टर्मिनल में एक में 12 में, एक 13 में, एक 14 नंबर टर्मिनल में देखें तो पोटेंशियल मीटर के थ्रू आप लोग VFD को कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको ये टर्मिनल 13 नंबर टर्मिनल और 14 नंबर टर्मिनल, अगर आप बाहर से 0 to 10 वोल्ट के थ्रू चलाना चाहते हैं, जैसे कि PLC के थ्रू, PID कंट्रोल के थ्रू चलाना चाहते हैं, तो आपको ये दो टर्मिनल आपको यूज करेंगे। तो वोल्टेज के थ्रू, मतलब 0 to 10 वोल्ट अगर बाहर से आप दे रहे हैं VFD को, तो आपका VFD उतना ही स्पीड में चलेगा। जितना वोल्टेज इनपुट मिलेगा उतना स्पीड में VFD चलेगा, ठीक है। अगर आपको इस VFD को mA करंट के थ्रू आप चलाना चाहते हैं, mA के थ्रू चलाना चाहते हैं, तो अगर आपको 4 to 20 mA इस VFD को देंगे, मतलब ये वाला 14 नंबर टर्मिनल और 15 नंबर टर्मिनल, ये दो टर्मिनल में अगर बाहर से आप 4 to 20 mA दे रहे हैं, तो आपका VFD उतना ही स्पीड में चलेगा जितना आपको करंट देगा, इसको इनपुट करंट मिलेगा। तो 4 to 20 mA के हिसाब से आपको जितना करंट मिलेगा उस हिसाब से आपको VFD स्पीड में चलेगा, ठीक है। अभी हम लोग रिले के बारे में देख लेते हैं। दूसरा हमारा रिले जो है, इसका रिले जो इसका आउटपुट रिले है उसके बारे में देख लेते हैं। इस VFD के अंदर आपको एक ही रिले मिलेगा। आप लोग इस रिले को 230 वोल्टेज यूज कर सकते हैं। ये R1 टर्मिनल है, ये R2 टर्मिनल है, ये R3 टर्मिनल है, ठीक है। तो R2 जो टर्मिनल है, ये हमारा कॉमन टर्मिनल है, कॉमन का टर्मिनल है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग बाहर से एक फेस सप्लाई देंगे, और ये हमारा इनो टर्मिनल है। VFD हम लोग ये ट्रिप मोड में अगर प्रोग्राम करेंगे, तो ट्रिप मोड में प्रोग्राम करने के बाद क्या होगा कि VFD जब भी किसी भी कारण से ट्रिप होता है, उस कंडीशन में इनो पॉइंट कॉन्टैक्ट रहता है, तो आपका तुरंत NC हो जाएगा। उसके बाद ये रिले को सप्लाई मिलेगा, रिले ऑन हो जाएगा, रिले का ऑन में चला जाएगा। ये A2 में आपको न्यूट्रल बाहर से ऑलरेडी मिल रहा है, ठीक है। तो अगर चाहें तो इस रिले के बाहर से आप लोग इंडिकेशन भी लगा सकते हैं, लैंप लगा सकते हैं, जैसे आपको मैंने रिले डाल के दिखाया हूँ। आप चाहें तो यहाँ से इंडिकेशन डाल के लगा सकते हैं। जब भी किसी भी कंडीशन में आपका VFD ट्रिप होता है, तो उस टाइम आपका VFD इंडिकेशन के थ्रू आपको मालूम पड़ेगा हमारा VFD ट्रिप हो चुका है, ठीक है। ये पूरा जैसे मैंने वायरिंग बताया, उसके बाद आपको ये प्रोग्राम भी उसी हिसाब से करना होगा, जब भी आपका VFD अच्छी तरह से काम करेगा, ठीक है। और हम दूसरा देख लेते हैं, हैंड ऑफ ऑटो में अगर आपको VFD चलाना है, तो कैसे हम लोग उसका वायरिंग करेंगे, कैसे देखेंगे, ठीक है। अगर इसी टर्मिनल के हिसाब से अगर आप VFD को हैंड मोड में एक फिक्स स्पीड के थ्रू, जॉग के स्पीड के थ्रू हैंड और ऑटो में चलाना चाहते हैं, तो कौन सा टर्मिनल यूज करेंगे। ये जो फॉरवर्ड का टर्मिनल है, ये आप लोग ऑटो के लिए यूज कर सकते हैं। ये हमारा जो रिवर्स का टर्मिनल, ये हैंड के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब फिक्स स्पीड के लिए यूज कर सकते हैं। ये आपका वायरिंग सेम रहेगा, ठीक है। आप लोग कॉमन, आप लोग 11 कॉमन नंबर के जो इसका 11 नंबर कॉमन है, उसके थ्रू आप लोग यूज कर सकते हैं। जो 4 नंबर कॉमन है और इसका जो 11 नंबर कॉमन है, आप इसके थ्रू ऐसे वायरिंग कर सकते हैं। अगर आप इसी हिसाब से SRC मोड में करना चाहते हैं, तो 11 कॉमन बना सकते हैं, और सिंक मोड में करना चाहते हैं तो 4 नंबर कॉमन बना सकते हैं। मतलब हैंड ऑफ ऑटो में, मतलब हैंड का मतलब है कि अगर आपके जॉक के थ्रू एक फिक्स स्पीड या कुछ नॉर्मल फिक्स स्पीड के थ्रू चलाना चाहते हैं, हैंड मोड के लिए ये टर्मिनल आप यूज कर सकते हैं 03, और आप ऑटो के लिए 02 टर्मिनल यूज करेंगे, तो आपका हैंड ऑफ ऑटो में इसका इस VFD के थ्रू आप लोग ऑपरेट कर सकते हैं। ऑटो मोड में आप लोग 0 to 10 वोल्ट के थ्रू VFD वर्क करेगा, ठीक है। लेकिन इसके हिसाब से आपको प्रोग्राम भी करना होगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखो, वीडियो स्किप नहीं करें। अभी इसके बाद मैंने पैरामीटर लिस्ट बना कर रखा है, उसको एक एक पैरामीटर के बारे में अच्छी तरह समझा दूंगा, उसके बाद लाइव टेस्ट करके मैं दिखा दूंगा, ठीक है। वीडियो में बने रहें प्लीज। हमारे साथ में जो एलेन ब्रांडी का एक VFD है, एलेन ब्रांडी पावर एक्सेल 440 VFD है, ठीक है। इस VFD का ऑलरेडी मैंने एक पूरा पैरामीटर लिस्ट बना कर रखा है, हैंड मोड के लिए, ऑटो मोड के लिए, 0 to 10 वोल्ट के लिए पोटेंशियल मीटर के थ्रू कैसे ऑन करते हैं, और रिवर्स में, फॉरवर्ड में कैसे ऑन ऑफ करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैरामीटर लिस्ट बना कर रखा है, उस लिस्ट के हिसाब से आपको अच्छी तरह समझा दूंगा कौन सा पैरामीटर हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, ताकि आपका VFD के थ्रू मोटर अच्छी तरह से वर्क कर सके,
आपका मोटर भी सेफ रहे और BFD भी सेफ रहे। ठीक है, ये फर्स्ट जो आपका पैरामीटर दिखता है P031, इसके अंदर हम लोग मोटर का वोल्टेज डाल लेंगे। ये आपको मोटर का नेम प्लेट पर देखने को मिल जाएगा। अब मोटर पर नेम प्लेट पर चेक करके आपका इसका वोल्टेज डाल सकते हैं इस पैरामीटर में P031 में। दूसरा हमारा पैरामीटर आता है P032, इसके अंदर हम लोग मोटर का फ्रीक्वेंसी डाल लेंगे। हमने 50 हर्ट्ज़ डाला है, आप चाहें तो मोटर का नेम प्लेट पर डाल चेक करके डाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा आता है P033, ये हमारा मोटर का करंट है, आप एम्पियर है, आप मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके डाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो हमारा पैरामीटर आता है P034, ये हमारा मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, हमने 0 हर्ट्ज़ से रखा है। मिनिमम फ्रीक्वेंसी का मतलब आप जितना सेट करेंगे उसके बाद से ही आपका BFD स्टार्ट होगा। मान लीजिए हमने 0 हर्ट्ज़ सेट किया तो 0 से आपका 50 हर्ट्ज़ तक BFD जाएगा। अगर आपने इस पर इसके अंदर 5 सेट कर दिया तो आपका BFD 5 हर्ट्ज़ से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी मैंने 0 रखा है क्योंकि 0 से हमको 50 हर्ट्ज़ तक स्टार्ट करना है। उसके बाद में हम लोग दूसरा पैरामीटर देख लेते हैं। ये जो हमारा है P035, ये जो हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का, इसके अंदर हमने 50 हर्ट्ज़ रखा है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पैरामीटर हमारा आता है P036, ये हमारा स्टार्ट सोर्स है। ठीक है, अगर हम लोग 0 सेट करेंगे इस BFD के अंदर, अगर हम लोग इसके अंदर 0 सेट करेंगे तो आपको BFD को कीपैड के थ्रू ऑन ऑफ कर सकते हैं। मतलब BFD का ऊपर जो कीपैड लगा रहता है, बटन लगा रहता है, उसके थ्रू आप लोग BFD को ऑपरेट कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप 1 सेट करेंगे तो आप 3 वायर मेथड के हिसाब से BFD को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको कंट्रोल वायरिंग डायग्राम में बताया हूँ, इसके अंदर अगर आप 1 सेट करेंगे तो 3 वायर मेथड के हिसाब से आपका BFD वर्क करेगा। अगर इसके अंदर 2 सेट करेंगे तो आपका 2 वायर मेथड के हिसाब से BFD रन करेगा। अगर आप इस BFD इस पैरामीटर के अंदर अगर आप 9 सेट कर रहे हैं तो आपको जॉग स्पीड के थ्रू आपका BFD रन करेगा। जॉग का मतलब है एक नॉर्मल फिक्स स्पीड के थ्रू आपका BFD रन करेगा। जैसे कि आपने कोई 30, 40, 50 हर्ट्ज़ जितना भी सेट करेंगे एक फिक्स स्पीड, उसके थ्रू आपका BFD रन करेगा। ठीक है, दूसरा हम लोग आगे देख लेते हैं। दूसरा पैरामीटर जो दूसरा जो पैरामीटर है P037, ये हमारा स्टॉप मोड है। ठीक है, हम लोग BFD को कैसा स्टॉप करना चाहते हैं, मतलब रैम के थ्रू स्टॉप करना चाहते हैं या कॉस्ट के थ्रू स्टॉप करना या DC ब्रेक के थ्रू स्टॉप करना चाहते हैं। स्टॉप मोड अगर इसमें 0 सेट करेंगे तो आपका BFD रैम सिलेक्शन के हिसाब से आपका BFD स्टॉप है। रैम का मतलब है कि एक्सेलेरेशन और डी एक्सेलेरेशन टाइम के हिसाब से आपका BFD स्टॉप होगा। मतलब स्टॉप होने का टाइमिंग है मोटर को मान लीजिए हमने स्टॉप कर रहे हैं तो आपका BFD अगर 0 सेट करेंगे तो एक्सेलेरेशन टाइम जो आपने सेट किया रहेगा 10 सेकंड, 20 सेकंड, उतना टाइम के अंदर में आपका BFD आराम से ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने कॉस्ट सेट किया 1 सेट किया आपने तो सडनली आपका BFD ऑफ हो जाएगा। मतलब जैसे ही आपका BFD ऑफ करेंगे तुरंत ऑफ हो जाएगा, मतलब आराम आराम से ऑफ नहीं होगा। और ये 0 सेट करेंगे तो रैम के हिसाब से आपका BFD ऑफ होगा। ठीक है, और 2 सेट करेंगे तो BFD DC ब्रेक के थ्रू आपका BFD स्टॉप होगा। ठीक है, दूसरा पैरामीटर में चलते हैं हम लोग। दूसरा पैरामीटर जो है हमारा 08 पैरामीटर है, इसके अंदर हमारा स्पीड रेफरेंस है। ठीक है, और P038 में अगर हम लोग स्पीड रेफरेंस का ये पैरामीटर है, अगर हम इसके अंदर हम लोग 0 सेट करेंगे तो आपका जो ड्राइव का पोर्ट रहेगा उसके थ्रू आप लोग BFD की स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और इसके अंदर 2 सेट करेंगे तो आप लोग 0 to 10 वोल्ट के थ्रू इनपुट के थ्रू आप लोग BFD का कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब उधर से हमारा स्पीड कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और 3 सेट करेंगे तो आप लोग करंट के थ्रू, मतलब मिली एम्पियर के थ्रू आप लोग BFD का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब कम और ज़्यादा स्पीड कर सकते हैं 3 सेट करेंगे तो मिली एम्पियर के थ्रू। ठीक है, 4 to 20 मिलियम्स के थ्रू BFD का कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम लोग दूसरा पैरामीटर में चलते हैं। उसके बाद जो पैरामीटर है P039, ये हमारा एक्सेलेरेशन टाइम है। मोटर को स्टार्ट होने के लिए, मतलब 0 हर्ट्ज़ से 50 हर्ट्ज़ में जाने के लिए मोटर को कितना टाइम चाहिए वो टाइम हमने इसमें सेट किया। मैंने 10 सेकंड रखा है, मतलब मोटर को BFD स्टार्ट करेंगे तो मोटर को 0 हर्ट्ज़ से लेकर 50 हर्ट्ज़ में जाने के लिए कितना टाइम चाहिए वो टाइम रखा। ठीक है, P040 ये डी एक्सेलेरेशन टाइम है, मतलब मोटर को स्टॉप होने का टाइम है। मोटर को हम लोग BFD के मोटर को स्टॉप करने का टाइम है, मतलब 50 हर्ट्ज़ से 0 हर्ट्ज़ तक आने के लिए, मतलब फुल स्टॉप होने के लिए कितना टाइम चाहिए वो टाइम हमने 10 सेकंड रखा है। मतलब मोटर को आराम आराम से बंद करने के लिए 10 सेकंड रखा, आप चाहें तो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसका पैरामीटर P040 है, डी एक्सेलेरेशन टाइम है। मोटर डी एक्सेलेरेशन टाइम का मतलब है कि आपका मोटर को स्टॉप का टाइमिंग है, मोटर को 50 हर्ट्ज़ से 0 हर्ट्ज़ तक आने के लिए कितना टाइम चाहिए वो टाइम हम इसके अंदर सेट करेंगे। ठीक है,
उसके बाद में 041, ये BFD का रीसेट पैरामीटर है। अगर मान लीजिए किसी कारण बस आपका BFD कुछ पैरामीटर गलत हो गया, गलत सेटिंग हो गया, प्रोग्राम कुछ से आपने गलत कर दिया, या आपका कुछ पुराना BFD है, कुछ मॉडिफिकेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करेंगे, तो आप लोग फर्स्ट इस BFD को अगर 1 डालेंगे तो आपका BFD पूरा डिफॉल्ट मोड में चला जाएगा। ये पूरा BFD रीसेट होकर डिफॉल्ट मोड में चला जाएगा, ठीक है। ऐसा हम लोग इस BFD का पूरा प्रोग्राम करते हैं। जैसे मैंने आपका वायरिंग बताया, जैसे मैंने आपको BFD का पैरामीटर लिस्ट के हिसाब से पैरामीटर समझाया, अगर आपने ये पूरा वीडियो अभी तक देख लिया है फिर आपको इस BFD से रिलेटेड कुछ भी डाउट नहीं बचेगा। अभी मैं आगे आपको चल के डायरेक्ट BFD पे सेटिंग करके BFD को लाइव चालू करके मैं दिखा देता हूँ कि इस BFD के थ्रू हम लोग कैसा ऑन करते हैं रिवर्स में फॉर्मूले में। वीडियो में बने रहें प्लीज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अभी तक अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। आगे मैं आपको सेटिंग करके BFD को डायरेक्ट लाइव चालू करके दिखाता हूँ, ठीक है। अभी जैसे हम आपको वायरिंग डायग्राम बताया उसी हिसाब से हमने वायरिंग कर लिया है, और जैसे मैंने आपको पैरामीटर लिस्ट बताया सेटिंग करने के लिए, ऐसा सेम मैं BFD जल्दी जल्दी आपको पैरामीटर सेट कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी पैरामीटर सेट करके आपको BFD को ऑन करके दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। बहुत सभी लोग क्या होते हैं कि बोर हो जाते हैं, इसलिए आप सेम जैसे मैंने वायरिंग किया है ऐसा आप वायरिंग कर लेंगे और पैरामीटर सेट कर लेंगे तो आपका BFD 100% वर्क करेगा। आपको नो डाउट कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अभी ऑलमोस्ट हम सभी पैरामीटर बेसिक पैरामीटर सेट कर चुका हूं। अभी मैं डायरेक्ट BFD को ऑन करके देखते हैं हम लोग कीपैड के थ्रू। जो BFD का कीपैड है, डिस्प्ले के ऊपर जो कीपैड लगा उसका ग्रीन बटन दबा के हम लोग अभी टेस्ट करेंगे कि हमारा BFD वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी देख सकते हैं मैं ग्रीन इसका बटन मैं ऑन कर रहा हूँ, BFD का ग्रीन बटन हमने दबा दिया। आप देख सकते हैं इसका फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, मतलब BFD हमारा चालू हो चुका है। अभी मैं BFD को ऑफ कर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं BFD मैंने ऑफ कर दिया, अब BFD डाउन इसका फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो रहा है। आई होप ये वीडियो से अगर आपको हेल्प मिलेगा तो वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।